दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की पांच प्रमुख खबरों पर। सावन के तीसरे सोमवार को परंपरागत रूप से विश्वनाथ गली के व्यापारी बंधुओं ने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ के बैनर तले आयोजित जलाभिषेक में सोमवार की सुबह 9 बजे व्यापारियों का समूह दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क पर इकट्ठा हुआ। इसके बाद शोभा यात्रा के रूप में डमरुओं की गड़गड़ाहट व शंखनाद के साथ शीश द्वार विश्वनाथ गली से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां काशी के 84 घाट व 12 कूपों के जल से बाबा का जलाभिषेक भी किया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात अराजक तत्वों द्वारा कांवड़ियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें 3 हमलावरों ने कांवड़ियों को सरेराम पीटा। इसके बाद उनका फोन भी तोड़ दिया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए और पैसे लूट कर भाग गए। कांवड़िया हमलावरों से छोड़ देने की गुहार लगाते रहे। देखिए, ये जो अब तक पता चला है ये कल आज सुबह का है, मॉर्निंग का। अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट ऐसी नहीं है, इसको हम दिखवा रहे हैं और वो एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें हम कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और जैसे ही कुछ कंप्लेंट आएगी इसमें आगे हम कार्रवाई करेंगे। कैंट के मनशा नगर मंदिर अलौना टकटकपुर में बिना नंबर प्लेट की बाइक से जा रहे बदमाश की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसके पास से भारी मात्रा में आभूषण, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की केटीएम को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। इसके अलावा 13 मोबाइल और 1200 नगद भी बरामद हुआ। मुठभेड़ में जो अभियुक्त है उसका नाम सुरेंद्र जायसवाल उर्फ सुरेंद्र तिवारी है, जो मूलतः गोरखपुर का रहने वाला है। ये केटीएम बाइक पर सवार होकर बिना नंबर की बाइक को इस्तेमाल करता है और टप्पेबाजी करता है। कमिश्नरेट वाराणसी में भी इसने 3 घटनाएं करी हैं, 2 वर्दी बाजार की और 1 फूलपुर की है। अब तक पूछताछ से पता चला है कि विभिन्न जनपदों में इसने 28 से ज़्यादा इसमें वारदात करी हैं। इन्हीं को जेल भेजा। उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के हृदय विज्ञान विभाग में 24 घंटे विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। यहां हर प्रकार के हृदय रोगों का इलाज उचित दरों पर आयुष्मान व सीएम फंड के जरिए भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अस्पताल के सिविस्टम सर्जरी विभाग के सफलतापूर्वक 100 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी एवं वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी विभाग के अध्यक्ष मोहित सक्सेना द्वारा किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA में आउटसोर्सिंग के आधार पर एसोसिएट इंजीनियर के पद कार्यरत अंकुश सिंह ने सोमवार को वेतन रोके जाने से नाराज होकर प्राधिकरण दफ्तर पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने के बाद अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया, जिसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारियों ने दौड़ दौड़ कर ज्वलनशील पदार्थ के बोतल को फेंक कर अंकुर को अस्पताल भिजवाया। इस घटना में प्राधिकरण कर कार्यकाल में देर शाम तक चर्चा बनी रही। वहीं अंकुर सिंह को पुलिस अभिरक्षा में भी दे दिया गया।